हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो आज मैं कर रहा हूँ अमरिंदर गिल का सॉन्ग का, मतलब कि एक कवर मैंने बनाया था। मेरे पास एक बंदा आया था, उसने कहा कि मेरा कवर बनाओ चल जिंदगी, जो अमरिंदर गिल का सॉन्ग है। तो मैंने उसका कवर बनाया अपने स्टाइल में, थोड़ा मोटा सेम वैसे लिया है, बाकी सारा तो कुछ अलग ही है। तो सुनते हैं पहले इस कवर को। चल जिंदिए चल जिंदिए चल उठ चलिए तुर चलिए जहानो उस नगर वाल दूर कुड़े। चल जिंदिए चल जिंदिए चल उठ चलिए तुर चलिए जहानो उस नगर वाल दूर कुड़े। मन मंदिर विच सियाने अब मैंने इसमें क्या इफेक्ट लगाया है, मैंने कैसे बनाया है इसको, उसके बारे में बात करते हैं। तो स्टार्टिंग में हम पियानो से बात करते हैं। तो पियानो एक कॉर्ड है जिसका मैंने ये बेस काट दिया काफ़ी। ओके, उसके बाद मैंने यूज़ किया है इसके अंदर गिटार्स। तो मैंने इफेक्ट कौन कौन से लगाए इसमें, पहले मैंने देखो इसके इतने सारे जो बेस बूस्ट है वो काटा। उसके बाद मैंने इसमें से काटा ये मैंने इसमें वो लगाया कंप्रेसर, जो आपको पता ही है कंप्रेसर लगाता हूँ मैं एक। उसके बाद मैंने इसके अंदर लगाया है फ्रूटी सेंट, जो मैंने सेंट किया है इसको यहाँ पे, ये देखो। ये सेंट हो रहा है यहाँ पे, उसके बाद एक ये सेंट यहाँ पे हो रहा है। इसके अंदर मैंने लगाया रिवर्ब, तो मेरा वही रिवर्ब होता है क्योंकि मैं हर एक चीज़ को अलग अलग रखता हूँ। तो मैंने सैंड लगा के इसमें रिवर्ब भेजा, उसके बाद इसको मैंने काट दिया। इसका मैंने हाई और लो काट दिया रिवर्ब का, देखो काटा हुआ ना हाई और लो। और इसमें मैंने लगा दिया रिवर्ब जिसको कहते हैं हम लार्ज हॉल रिवर्ब, और ड्राई को कर दिया बिल्कुल डाउन और वेट को कर दिया अप। तो इसमें क्या होता है कि सिर्फ हमारा फिर रिवर्ब रहता है और कुछ नहीं होता। डन। उसके बाद मैंने लगाया इसके अंदर एवॉक्स डियो। डियो से क्या होता है कि डुअल हो जाता है, सुन के देखते हैं पहले विदाउट। हो गया डबल हो गया। उसके बाद मैंने इसमें यूज किया है ये कॉर्ड्स सिंपल। इसके अंदर मैंने बड़ा कुछ नहीं किया। तो इसके अंदर पहले मैंने क्या किया कि इसके सारी वो फ्रिक्वेंसी डाउन कर दी, उसके बाद मैंने इसमें लगाया वही डुओ इफेक्ट, उसके बाद कंप्रेसर किया इसको, उसके बाद मैंने इसमें लगाया अपना वही कंप्रेसर, दोबारा से कंप्रेस किया मैंने, दो कंप्रेस लगा दिए, क्या बात है। उसके बाद मैंने इसमें लगा दिया एक बस वो फ्रिक्वेंसी काट दी इसकी, और कुछ ज़्यादा कुछ नहीं किया। इसकी जो मिड में फ्रिक्वेंसी है मैंने काटी है 251 हर्ट्स के, फिर मैंने 290 हर्ट्स और 465 हर्ट्स पे मैंने इसको डाउन किया है। वहाँ मुझे लग रहा होगा कि कुछ फ्रिक्वेंसी डाउन करनी पड़ेगी, तो मैंने कर दी। चलो उसके बाद देखते हैं मैंने क्या किया। हाँ, तो जो ये साउंड है, ये साउंड बहुत ज़रूरी है। मैंने क्या किया इसके अंदर, पहले तो मैंने इसमें लगाया इक्वलाइजर, वॉइस को साफ़ किया कुछ, फिर कंप्रेसर जो पता ही है आपको। उसके बाद मैंने इसमें लगाया फ्रूटी फेजर, और फेजर कौन सा लगाया मैंने, ये देखो ये अपने आप फेज हो रहा है, अलग से चेंज हो रहा है अपने आप ही, ठीक है। उसके बाद मैंने इसमें लगाई एक लीड, हाँ। और काफ़ी लोग मुझसे कह रहे थे कि आप लीड को प्रोसेस कैसे करते हो, तो देख लो भाई, अब उनको भेज देना वीडियो भेजो, मुझे कह रहे थे कि लीड को प्रोसेस मैं कैसे करता हूँ। मैं करता क्या हूँ, मैं लीड को पहले रिकॉर्ड करके उसके अंदर फिर मैं ये इक्वलाइज लगाता हूँ, ये बैंड्स लगा रखे हैं मैंने सारे। तो पहले विदाउट इफेक्ट सुन लेते कैसे साउंड करती है।
विद इफेक्ट। ठीक है ना, अच्छी होगी। फिर उसके अंदर मैंने कोई कंप्रेसर लगाया, उसके बाद मैंने इसमें लगाया फ्रूटी सेंट, और वही फिर उसके बाद मैंने उसको सेंड कर दिया। क्या बात है, एक तो रिवर्ब हो गया। और एक ये हमारे पास ये है, और जो ये टेप स्टॉप इफेक्ट बोलते हैं इसको, तो ये मैंने कैसे किया, ये देखो मैंने मास्टर में गया और उसके मास्टर में टेप स्टॉप की इफेक्ट वो में आता है प्लगइन, वो लगा दिया मैंने। और इसको हमें टारगेट करना होता है इससे, इसी ऑटोमेशन के लिए बना के मैंने इसको ऑन कर दिया इस टाइम पे। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, मैं गया स्लो डाउन इसके ऊपर, तो इसको हम जितना मर्जी स्लो डाउन कर सकते हैं। देखो जल्दी से स्लो डाउन हो गया, अगर स्लो बिल्कुल स्लो डाउन करना है इसको भी बहुत धीरे से हो। चल जिंदगी, ठीक है, चल जिंदगी, चल जिंदगी, चल उठ चलिए तुर। उसके बाद मैंने लगाया इसके अंदर प्लक, तो प्लग के अंदर मैंने क्या किया, देखो मैंने प्लग का फिर बेस काट दिया। मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं हमेशा हर एक चीज़ का बेस काट देता हूँ, यहाँ पे मर्डनेस होता है, यहाँ पे सिर्फ हमारी किक और बेस आएगा और कुछ नहीं आएगा। अपने अपना स्टाइल होता है मिक्स करने का, मैं ऐसे ही करता हूँ। चल जिंदगी, चल जिंदगी, चल उठ चलिए। तो ये एक फ्रूट का वो है, आया ना, तो ये वैसे ही चलता रहेगा और कुछ नहीं। तो बीच में मैंने एक बीट लिया जो सेम उस गाने के अंदर भी है, तो वो स्टार्ट होती है ऐसे। अरे तो क्या सुनते हैं, और फिर मैंने क्या कि जो मेन टेक लाइन आ रही है उसे मैंने प्लक बंद कर दिया। चल जिंदिए, चल जिंदिए, चल उठ चलिए, तुर चलिए जहान। देखो ये एक आप लगा लो बेल, लगा लो बेल टाइप, तो उसको मैंने अपने लेफ्ट में रखा है। और ये वो हमारी तुम्बी, चल उठ चलिए, ये राइजर, चल राइजर डाउन, चल जिंदिए, चल। और ये हमारी बीट है, और एक ये तो सैंपल में बड़ा अच्छा लगा, ये अजीब किक है और कॉस्टिक किक, तो मैंने उसके साथ ऐसा कुछ किक के साथ बनाया। और ये हमारी हैट है, चल जिंदिए, चल जिंदिए। और ये एक फिलर है कुछ जो इस गाने को अच्छा कर देती है, और तुम भी के, ठीक है। उसके बाद ये है ना, और मैं हर गाने में कवर सॉन्ग में जो मेरा ओरिजिनल गाना भी होता है जो मेरे पास आते हैं गाने करने के लिए, मैं उसमें गिटार जरूर बजाता हूँ, क्योंकि मेरा प्रोफेशन है गिटार, मेरा पैशन है गिटार, मैं गिटार बहुत ज़्यादा बजाता हूँ, मेरा काम ही गिटार सारा दिन होता है, तो वो है। तो इसके अंदर देखो मैंने गिटार की लीड पाई है, सौखा ही है। और एक ये बेस है, तो इसके अंदर दो बेस हैं, एक तो हमारा जो सिंपल बेस होता है, एक वो बेस है। इसकी साउंड क्यों नहीं आ रही है,
पता नहीं क्या हो गया। और एक दूसरा बेस है सब बेस हमारा ये रहा, इसको पियानो रोल में जाके बजाना पड़ेगा। उठ चलिए तुर चलिए जानो उस नगर वाले दूर कुड़े, बाकी सारा सेम है। उसके बाद पीस आता है नाले जाने नी देंदे, हमें दी पंड बार लवालन अंदर ल्याउण नी देंदे। उस नगर दरबान सख्त कुछ नाले जाने नी देंदे, हमें दी पंड बार लवाल। बाकी सारा सेम ही है, कुछ ज्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है। लाके सुट जरूर कुड़े चल जिंदिए चल जिंदिए चल उठ चलिए। बाकी इसके पीस चेंज होंगे। बाकी सारा सेम ही है, कुछ ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है। जैसे सुबह सुबह कह रहा हूँ मैं, जैसे शुरू में है वैसे ही आगे कॉपी पेस्ट हो रखा है। बाकी थोड़े कॉर्ड कूड चेंज हैं। उस नगर दरबान सख्त कुछ नाले जाने नी देंदे, हमें दी पंड बार लवालन अंदर ल्याउणी देंदे। हाँ वोकल पे इफेक्ट क्या क्या लगाए मैंने वो देख लो एक बारी। देंदे देंदे, तो इसके अंदर मैंने पहले लगाया ऑटोट्यून, जो बहुत जरूरी है लगाना सबके, सब भी लगाया करो ऑटोट्यून भाई, नहीं तो आवाज बेकार साउंड करेगी। देंदे, तो ऑटोट्यून लगाया तो गाना हमारा है ये डी शार्प के ऊपर, डी शार्प वही है, डी शार्प ही है, तो डी शार्प माइनर के ऊपर है, तो वहीं से बनाया मैंने। उसके बाद इसके अंदर मैंने लगाया है इक्वलाइजर, देखो सो कुछ हाई हुई कुछ लो लो काटी हुई हैं। उसके बाद वही अपना कंप्रेसर, उसके बाद वोकल वर्म मैंने 1.1% लगाया। देन दे। क्रंच देखो इसमें वेलवेट और क्रंच का दो इफेक्ट हैं, तो मैंने वेलवेट पे करता हूँ। देन दे। वो बात नहीं आती। देन दे। क्रंच आया पूरा। उसके बाद कुछ मैंने फिर से काटी फ्रिक्वेंसीज, फिर मैंने इसकी थोड़ी हाई काटी ऊपर से, ठीक है। उसके बाद मैंने इसके अंदर लगाया डीएसआर। देंदे हमें दी पंड बार लवा। उसके बाद फिर से वो सेंड्स, इको सेंड, फो सेंड, ये सेंड, वो सेंड, अपने रिवर्ब सेंड। उसके बाद यहाँ पे मैंने रिवर्ब लगाया। गेट हमारी डिले है। उसके बाद कुछ साउंड कुछ ऐसा करता है। देंदे पान सख्त कुछ नाल जाने नी देंदे, चल जिंदिए चल उठ चलिए चक्कर पुन्न बलिदान दे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ओके बाय। तो मैं बंद कर रहा हूँ, तो देख लो ये OBS स्टूडियो एक सॉफ्टवेयर है, तो इसके अंदर मैं रिकॉर्ड करता हूँ अपनी सब कुछ स्क्रीन। देखो चला हिल रही है ना, कितनी स्क्रीन है इसके अंदर आ गई अब। चलो ओके बाय।